कि हमारे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर उपलब्ध है और ये एक यूटिलिटी टोकन है जिसको हम लोग तकनीकी टोकन भी कहते हैं और ये एक यूटिलिटी टोकन भी कहा जाता है। इसका नाम है CRU। CRU के क्या मुख्य फायदे हैं? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसकी जो 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 जारी करने की क्षमता है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि आप जो है जितने कम टोकन मार्केट के अंदर होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा इसके मूल्य पे। तो अगर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि अगर किसी चीज की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, आपूर्ति अगर कम हो जाती है तो उसके मूल्य में क्या फर्क पड़ता है, तो आप बता सकते हैं? तो जो मूल्य है वो बढ़ता है और ये जो है क्रिप्टो, हर क्रिप्टो करेंसी का सिद्धांत है। तो जितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी आपूर्ति कम होगी उतना ज्यादा उसका मूल्य बढ़ेगा। और इसका फायदा क्या है, इस टोकन का क्या फायदा है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैं हर एक अंक को आपको बताना चाहूंगी। तो CRU की भी दो स्थितियां हैं, फ्रोजन और लिक्विड। और जैसे कि हमारे पास फ्रोजन W यानी कि वर्ल्ड क्रू है और आपको जो तरल टोकन है उससे आपको UNTB में स्टेकिंग की से उपहार प्राप्त हो सकते हैं, आय प्राप्त हो सकती है। और जो कानूनी इकाइयां हैं जैसे कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो देखिए बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि जो 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 एक कानूनी इकाई या कंपनी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे कार्य कर सकती है, लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए उनको क्रू की जरूरत पड़ेगी। जो भी कंपनी चाहती है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर आकर अपने कार्य कर सके और अपना टोकन जारी कर सके, तो उसके लिए उनको उनको CRU को खरीदना पड़ेगा और उनको वो CRU टोकन जो है वो यूनिटेक्स एक्सचेंज से मिलेंगे और उनको फिर फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि वो परिसंपत्ति जो है वो जो है वो फ्रीज होगी जब तक वो पार्टनरशिप चल रही है। और साथ साथ जो सीमित जारी की जो मात्रा है तो रिजर्व जो है वो व्यवसायिक अकाउंट्स में रखा जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जो मार्केट में से जो CRU की संख्या है वो कम होनी जाएगी। तो आज हम लोग डिजिटल गारंटी की बात कर रहे हैं और डिजिटल परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं और ये दोनों चीजें जरूरी हैं यदि आप स्मार्ट अनुबंध को हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर लागू करना चाहते हैं। तो जो लोग दिलचस्पी दिखाते हैं कि वो माइनर्स बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको 40% UNTB प्राप्त हो, तो वो जो है वो CRU टोकन को के माध्यम से वो माइनर्स भी बन सकते हैं और पूरे समय के लिए उनको क्या करना होगा, जब तक वो खनन करेंगे, जो तक वो अपने माइनिंग नोड्स को चलाएंगे, और ये थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है यहाँ पर, तो जब तक वो नोड के मालिक रहेंगे, जब तक वो नोड कार्य करते रहेगा, तब तक उनके जो CRU टोकन है वो फ्रीज होकर रिजर्व अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो यानी कि जो जो माइनर्स को स्क्रू खरीद कर उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर चैट में पढ़ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं और 18 सितंबर को जो कि जहां पर आंतरिक बैठक के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से आप नोड्स
आप नोट्स धारक बन सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना निवेश वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो 18 सितंबर को आंतरिक बैठक के अंदर एंड्रे हवरोतोव जी आपको ये सारे के सारी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास विशेष अधिकार हैं और अगर आप इस आंतरिक बैठक के अंदर आप जुड़ सकते हैं तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत खास खबरें और ताजा खबरें आपको 18 सितंबर को दी जाएंगी। और एक बात और, आप जो है सीआरयू को बेच भी सकते हैं। अब चूंकि जो कानूनी इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं जो वहां पर क्रू को खरीदना चाहेंगी, तो वो एक्सचेंज से जो जो बेच रहे होंगे क्रू उनसे खरीदेंगी। तो एक और चीज, अगर आप कोई रणनीति का आप अनुसरण करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक अगर अच्छी रणनीति का आप अनुसरण करते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं 2024 का, जब क्रू का WCRU में परिवर्तन शुल्क को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज काफी चीजें सीखी होंगी कि CRU टोकन का इस्तेमाल किस प्रकार होगा और क्यों उसकी मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। और मैं आपको यहां पर कुछ प्रश्न जो है जो जो चैट में आ रहे हैं मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी कि इस जानकारी के बाद क्रू का जो मूल्य है वो इतने शीघ्र नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कानूनी इकाइयां हैं या जो कंपनियां हैं उनको जो प्रक्रियाएं पूरा करने में और इस प्रक्रिया में भाग लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये हमारे सामने होगा, ये एक अलग चरण है हमारी ब्लॉकचेन का। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि कंपनी हमारी जो है उसको पता है कि वो क्या कर रही है और वो उसको पता है कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और इसके लिए आपको